हे फूडीज, मैं हूँ सौम्य और आप देख रहे हैं मी डिजायर। आज मी डिजायर में आपके लिए लेकर आई हूँ करांजी यानी कि गुजिया की रेसिपी। आने वाले फेस्टिवल सीजन पे इस रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा सबके द्वारा पसंद की जाती है, बच्चे हों चाहे बड़े, सभी को बहुत पसंद आती है। इस तरीके की एकदम फूली एकदम क्रिस्पी गुजिया आपके घर में भी बनेगी अगर आप इस रेसिपी को पूरा फॉलो करेंगे। इस तरीके का बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लेयर के साथ में ये गुजिया तैयार होगी। तो मी डिजायर पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस रेसिपी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले करांजी यानी कि गुजिया के लिए हम उसका डो रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में ऐड किया है 1.5 कप के करीब मैदा। इस मैदे के साथ हम इसमें डालेंगे आधी बड़ी चम्मच के करीब सूजी, जो कि हमारे गुजिया में बहुत अच्छा क्रिस्पी जो टेक्सचर आएगा वो इस सूजी से आता है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 5 बड़े चम्मच के करीब पिघला हुआ देसी घी। देसी घी को हम एक साथ पूरा नहीं ऐड करेंगे, पहले मैंने 2 चम्मच ऐड किया है, उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे हम मैदे के साथ में, और उसके बाद बाकी के 3 चम्मच देसी घी हम यहाँ पर ऐड करेंगे, और उसके बाद फिर से इसको हम अच्छे से मैदा के साथ में मिक्स कर लेंगे। आप देखिए इस तरीके से होल्ड करके देखेंगे, इसमें अच्छा मोइन होना चाहिए तभी आपकी गुजिया बहुत ही ज़्यादा लेयर वाली बनेगी। तो मोइन डल चुका है, अब हम इसको अच्छे से पानी के साथ में गूंथ कर एक आटा रेडी करेंगे। पानी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसमें डालें और इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार करें। इसका डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाया जाता है, आप देखिए कुछ इस तरीके का सॉफ्ट डो हमें रेडी करना है। अब डो हमारा रेडी हो गया है तो अब हम इसको रेस्ट करने देंगे लगभग 15 मिनट के लिए, और इसको कवर करके एक साइड रख देंगे। तब तक हम अपनी फिलिंग को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर इसकी स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है सूजी। जी हाँ, सूजी बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर 1/4 कप के करीब सूजी का इस्तेमाल किया है। सूजी के 2 फायदे हैं, सूजी आपकी गुजिया को फटने नहीं देता है, दूसरी चीज़ आप जब इसको फिलिंग में डालेंगे तो आपकी जो फिलिंग है वो इवन होगी, मतलब पूरी गुजिया में आपको वो फिलिंग मिलेगी। अगर आप सिर्फ मावे से इसको बनाते हैं तो फिर वो एक ही जगह पर चिपक जाती है और गुजिया पूरी गुजिया में वो टेस्ट नहीं आता। तो उसके साथ मैंने यहाँ पर कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी रोस्ट किया है। सूजी को रोस्ट करके मैंने अलग रख लिया था और उसके साथ मैं ड्राई फ्रूट को भी रोस्ट कर ले रही हूँ थोड़े से घी के साथ में। और इस तरीके से हम यहाँ पे जो मावा है यानी कि खोया है वो तो कंपलसरी होता है गुजिया में डालना, तो हम यहाँ पर उसको भी डाल रहे हैं और उसके साथ हम इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। आपने अगर कभी सोचा नहीं होगा कि गुजिया जो है मावे के बिना भी बनाई जा सकती है, मैंने एक रेसिपी अपने चैनल पे शेयर की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको देखिएगा। बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैंने इस करांजी और गुजिया को उसमें बनाया है। तो यहाँ पर मावे को ठंडा करके हम एक बाउल में ऐड करेंगे और उसके साथ हम यहाँ पर डालेंगे सारी हमारी रोस्ट की हुई चीज़ें, सारे ड्राई फ्रूट्स। इसमें मैंने थोड़ी सी किशमिश का इस्तेमाल किया जिसको मैंने रोस्ट नहीं किया था, और उसके साथ हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ कोकोनट यानी कि सूखा वाला गोला, और उसके साथ हम यहाँ पर डालेंगे हमारी जो सूजी हमने रोस्ट करके रखी थी। सूजी में देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है, और इसी के साथ ये जो हमारी फिलिंग है इसको थोड़ा सा मतलब खिला खिला बना देगी, इससे आपकी जो फिलिंग है ये देखिए आप अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने इसको, और ये देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी बनी हुई हमारी फिलिंग। इसमें हम फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं थोड़ा सा इलायची का पाउडर। अभी हमने इसमें मिठास नहीं डाली है, तो मिठास के लिए मैं यहाँ पर 1/3 कप के करीब पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरी फिलिंग के साथ में। तो ये फिलिंग हमारी रेडी हो गई है, अब चलिए हम फटाफट से गुजिया को स्टफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने डो लगा के रखा था उसको एक बार रोल करके इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, जितना आपको इस्तेमाल करना है मैदा, और बाकी की जो मैदा है उसको हम कवर करके रखेंगे ताकि वो सूखे नहीं। और यहाँ पर हमने गुजिया को बनाने के लिए इस तरीके का गुजिया मेकर इस्तेमाल किया है, सांचा बोलते हैं इसको गुजिया का, और इस तरीके से आप उसके साइज़ की शीट बेल लीजिए और उसके बाद इसके ऊपर रख के पानी से इसको चिपकाएंगे साइड में और बीच में फिलिंग रखेंगे ताकि ये आसानी से चिपक जाए, और इसको अच्छे से प्रेस करके एक्स्ट्रा मैदा को निकाल देंगे। तो ये तो एक तरीका हो गया, अगर आपके पास इस तरीके का सांचा है तो आप उससे बना सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके का गुजिया बनाने वाला सांचा नहीं है तो आप इसको सिंपल कटोरी से बना सकते हैं जैसे कि मैं बना रही हूँ। कटोरी से इसको कट कर लीजिए और उसके बाद साइड्स में इस तरीके से पानी लगा लीजिए, इसको हल्का सा उठाकर एक साइड से यहाँ पर स्टफिंग रख दीजिए, ये देखिए, और इसको इस तरीके से चिपका लीजिए। बहुत इजी होता है इससे बनाना, और आप जो नॉर्मल फोक होता है उससे हम यहाँ पर इस तरीके से डिज़ाइन बना देंगे तो देखने में भी बिल्कुल वैसा ही लुक लगेगा। आप दोनों साइड से इस डिज़ाइन को रिपीट कर सकते हैं, और ये देखिए जो गुजिया हमने सांचे से बनाई थी तो दोनों लग रही है ना सेम,
कोई डिफरेंस नहीं होता। आप इसको इस तरीके से बना के एक इस तरीके से कवर करके किसी बर्तन में रखते जाएं। अब हम गुजिया को फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो सबसे पहले हमने सारी गुजिया रेडी कर ली, अब हम इनको फ्राई करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम करने रखा था, मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर हम इसको मीडियम हॉट गरम करेंगे, यानी तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गरम होगा तो उसमें गुजिया ऊपर से जो है रेड कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्ची रहेगी। तो आप इसको मीडियम हॉट ऑयल में डालिए और इस तरीके से हल्का सा इनके ऊपर ऑयल इस तरीके से डालेंगे और हल्की सी जब ये फूल जाएंगी तब आप इनको इस तरीके से टर्न कर दीजिए, यानी पलट दीजिए इन गुजिया को, और उसके बाद इसको दूसरे साइड से भी सेक लेंगे। इसको हम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम सेकेंगे इनको, यानी कि फ्राई करेंगे, और ये लगभग जब इन पे हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। देखिए मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको फ्राई किया है और ये बिल्कुल तैयार है। इस तरीके से हम बाकी सारी गुजिया को भी तैयार कर लेंगे। तो है ना कितना सिंपल सी रेसिपी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। क्या आपके घर में भी इसी तरीके से करांजी या गुजिया को बनाया जाता है? नीचे कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में ये रेसिपी कैसे बनाई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेडिजर। आप मेडिजर की तरफ से आप सभी को होली की शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।